दावत दी, लोग मुलाकात के बाद चले गए। चंद नौजवान एक कोने में बैठे रहे, दिल पे चोट लग गई। जब लोग चले गए तो मौलाना अब्दुल हन्नान साहब के पास आए, कहने लगे मौलाना हम भी काम कर सकते हैं। मौलाना ने कहा ये काम ही जवानों का, तुम्हारा काम है तुम करो। उन्होंने कहा यार हम जरा और मिजाज के लोग हैं, हम जरा और मिजाज के लोग हैं। क्या मिजाज है तुम्हारा? कहने लगे यार हम ना नशई है। मोहन कोई बात नहीं, हुजूर की खदमत का काम करोगे? उन्होंने कहा जी करेंगे इंशाल्लाह, पूरा ग्रुप कहता काम करेंगे। मौलाना चले गए, इन्होंने मौलाना हसन साहब मुकामी से पूछा क्या करना है काम। मौलाना ने एक स्टीकर दिया, यार ये स्टीकर मस्जिद में लगा दो। उन्होंने निशई है स्टीकर देखा, मौलाना ये कौन पड़ेगा, ये तो बहुत छोटा है। मौलाना ने कहा यही है मेरे पास, नहीं नहीं इसके बड़े फ्लैक्स निकलवाते हैं, वो लगाते हैं चौकों में, लोग पड़े गुजरते गुजरते भी देखे। मौलाना ने कहा कि यार आमदन नहीं है, फंडिंग नहीं है। उन्होंने कहा जी वो हम करेंगे, हम अपने नशे में से बचाएंगे, लोगों से फंड भी करेंगे। फिर उन्होंने अपने नशे में बचाए, लोगों से फंडिंग भी की और एक चीड़ का दरख्त खरीदा, उसके फ्रेम लकड़ी के बनवाए, खुद ही सारे काम की, फ्लक्स निकलवाए, फ्रेम बनवाए, पूरे मानसेरा को भर दिया। अब क्या करें? उन्होंने कहा कि अब तुम दुकानों पर गश्त करो, मुलाकातें। एक दस्ते हुए कहा, कहने लगा सी मुलाकात करने गए ना, तो दुकानदार ने कहना लो कोई चोरी करना आ गया। मोहन ने यही बात की, तो यार अगर हुजूर के नाम पे लान तान हो भी गई तो सादत है। उन्होंने कहा करा की करना की, इन्होंने कहा ये काम करने। कहने लगे हमारी बात लोग सुन लेंगे, हमें तो लोग जानते हैं। फिर मैं नाम ऐसा है कि लोग सुन लेंगे, खुदा की कसम वही नौजवान 7 दिन बताए 10 दिन बताया, उन्होंने कलंदराबाद की 700 दुकानों पर गश्त किया है, बाइकाट की दावत दी, बाइकाट करवाया गया। जब इश्क लग जाता हमें क्या पता कौन अंदर से क्या है, हमें क्या पता कौन अंदर से क्या है, आपको क्या पता सिर्फ ये दाढ़ी हो, सादत तो है बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आपको क्या पता मेरा मन क्या है, आपको क्या पता वो चरसी भंगी शराबी कैसे है। काम करने इसको कहते हैं वफा, गैरत वाला मिजाज, वफा वाला मिजाज। मैं फिर